राजनीति समझते हैं आप? हाँ, क्या होती है राजनीति? क्या ये जातीय मजहबी समीकरण बिठाकर चुनाव जीतने का मैथमेटिकल विज्ञान है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अब सवाल ये भी हो सकता है कि इसे फिर राजनीति ही क्यों कहते हैं? चुनाव नीति या फिर वोट नीति भी तो कहा जा सकता है, लेकिन ये नीति ही राज करने की होती है, इसलिए इसे राजनीति कहा जाता है। जो लोग समझते हैं कि शासन करने की शक्ति संवैधानिक व्यवस्था में बंद कर चुनाव जीतने से आती है, तो आपको बता दें कि सलमान खान पर भी सड़क पर लेटे कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था, एक काले हिरन को भी उन्होंने स्वर्ग पहुंचा दिया था। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ज्यादा कुछ कर नहीं सकी उनके खिलाफ। इसे राज करना या फिर शासन करना भी कहा जा सकता है। शासन करना ऐसे नहीं आता, इसे सिखाया जाता है, वो भी चोरी छिपे। अब सवाल ये भी है कि आप कब किसी पर शासन कर सकते हैं? तो इस सवाल के जवाब में तो हम यही कह पाएंगे कि इसके लिए आपको इतना शातिर होना पड़ेगा कि आप जो भी चाल चलो वो सामने वाले से इतनी ज्यादा हो कि वो जो भी चाल चले उसका भी फायदा आपको ही मिले। ये पावर डायनामिक्स है, शक्ति के बिना राज नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, और शक्ति का अर्जन करना पड़ता है। कोई संविधान या फिर कोई व्यवस्था आपको शक्तिशाली नहीं बना सकती जब तक आप सामने वाले को इस तरह से प्रभावित ना कर सके कि उसकी हर चाल आपके फेवर में पड़े। इसे आप बिसात बिछाना भी कह सकते हैं। अब अगर आप बिसात नहीं समझते तो वो भी आपको समझा देते हैं। बिसात का मतलब होता है पत्ते बांटना, लेकिन रैंडमली नहीं, जीतने के लिए पत्ते बांटने को बिसात कहते हैं। अपने हिसाब से आप जब पत्ते बांटते हैं तो आप सामने वाले को अपनी शर्तों पर खेलने को मजबूर कर देते हैं, और फिर वो सामने खेलने वाला खिलाड़ी चाहे डेन बिल्जेरियन ही क्यों ना हो, अपनी अच्छी से अच्छी और सारी की सारी चालें आपके अनुसार ही चलेगा, क्योंकि पत्ते तो आपने बांटे हैं ना। इसी को कहते हैं शासन करना और इसी को कहते हैं राजनीति, जबकि कश्मीर में इसे कहा जाता है महानीति। जब आप खेल से बाहर रहकर अपने हिसाब से खेल चलाते हैं, जैसे श्री कृष्ण खुद महाभारत के युद्ध से बाहर रहकर भी महाभारत का युद्ध जितवा देते हैं, इसे महानीति कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम दिल्ली चुनाव पर। दिल्ली बेसिकली है क्या? दिल्ली किसी का घर नहीं है, दिल्ली किसी का गांव नहीं है, दिल्ली एक बड़ा कारखाना है, दफ्तर है, रोजी रोटी है न जाने कितने ही धर्मों में बटे लोगों की। क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप दिल्ली नहीं आते तब तक ही आप दिल्ली से दूर रह सकते हैं। जहां आपने दिल्ली में कुछ दिन बिताए, फिर दिल्ली आपको अपना बेटा बना लेती है और खुद से दूर नहीं जाने देती। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनमें से बहुत कम लोगों के दादे परदादे दिल्ली के हैं। ऐसा शायद ही हो कि दिल्ली में किसी की जड़ हो। दिल्ली लोग काम की तलाश में आते हैं, खास तौर पर दिल्ली को सुचारू रखने वाले निम्न निम्न मध्यम वर्गीय या फिर मध्यम मध्यम वर्गीय लोग दिल्ली से कमाते हैं और पैसे भेजते हैं अपने यूपी बिहार के घर को। दिल्ली से कमाते हैं और फिर प्लॉट खरीदते हैं अपने गांव में। आप अपने आप को हमारी स्टोरी से काफी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो इस लिहाज से दिल्ली सिर्फ दिल वालों की नहीं बल्कि जरूरतमंदों की भी है। दिल्ली के मूल निवासी कौन है? वो लोग जो बुराड़ी बल्ली मारान दिल्ली 6 जामा मस्जिद के आसपास के बाशिंदे हैं, और अब रोहिंग्या बांग्लादेशी भी हैं, और हद से हद एक पंजाबी सरदार पॉपुलेशन है जो अपनी बेटियां आज भी अमृतसर के 100 बीघा वाले पुष्पिंदर से ब्याहना चाहती है। अगर आपका नाम पुष्पिंदर है तो प्लीज आप इसे अदरवाइज ना लें। और बाकी बची हुई जो सारी पॉपुलेशन है वो क्या है? वो है इमिग्रेंट पॉपुलेशन। ये वो लोग हैं जो सब्सिडी पर जीवित हैं, ये वो लोग हैं जो सच में हैंड टू माउथ हैं। 30,000 से 70,000 प्रतिमाह सैलरी प्राप्त करते हैं, किराया भी देना है, ईएमआई भी देनी है, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो स्कूलों की हाई फाई फीस भी तो जमा करनी है। फिर बढ़िया मॉल्स में जाकर 50 रुपए की चीज 5 से 6 गुना ज्यादा रुपए देकर भी तो खरीदनी है। तो अब आपको समझ आया दिल्ली क्या है। दिल्ली दफ्तर है जिसमें दिल्ली वालों को पहले सरकार इनकम टैक्स के जरिए चूसती है और फिर जो बच जाता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हिडन टैक्सेस में जाता है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर, डोमिनोज का पिज्जा, पीवीआर के 300 रुपए के पॉपकॉर्न, भाई इन सब में भी तो टैक्स लगता ही है।
बाकी छोटे शहरों के मुकाबले दिल्ली के मध्यम वर्ग का इन चीजों पर खर्चा करना केवल ओबसीन कहा जाता है। इस खर्चे का सबसे बड़ा फायदा होता है सेंटर को और उसके बाद दिल्ली सरकार को, लेकिन दिल्ली सरकार के पास धन जुटाने के ज्यादा साधन दिखाई नहीं देते क्योंकि ज्यादातर धन तो दिल्ली के बाहर ही चला जाता है। ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह का धन दिल्ली से पलायन कर जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसी जगह पर शासन कोई क्यों करना चाहेगा, वो भी तब जब दिल्ली ना तो पूर्ण स्टेट है, मतलब दिल्ली पुलिस भी केंद्र के ही अंतर्गत आती है। रही सही कसर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी कर देते हैं, उनके पास महाशक्तिशाली वीटो पावर्स जो है। तो अब आपको समझ आया कि दिल्ली को जीतने का मतलब क्या है। अब आप खुद को एक बार पीएम मोदी और अमित शाह की जगह पर सोच लीजिए और आप कोई भयंकर सामाजिक प्रस्ताव लाने वाले हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, कोई भी। ऐसे में आपको पता है कि न्यूज एजेंसियां जो बेसिकली दिल्ली को ही भारत की नब्ज मानती हैं, वो इन प्रस्तावों की वजह से होने वाले सामाजिक घमासान को रिपीट कर करके दिखाएगी। और अगर आपकी पार्टी राज्य सत्तारूढ़ है तो इसका ठीकरा भी आपके सिर पर ही फोड़ा जाएगा। ऐसे में सबसे शानदार खेल आप क्या खेल सकते हैं, मतलब आप डूब रहे हैं और आपके सामने शाहीन बाग, सीलमपुर, जामिया मिलिया, जेएनयू जैसे प्रतिद्वंदी हैं, तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ही उस डूबते जहाज का कैप्टन बना दीजिए। जहाज तो डूबेगा ही, और नहीं डूबेगा तो उसे प्रस्तावों से डुबा दिया जाएगा। और पीएम मोदी के मुताबिक शाहीन बाग कोई संयोग नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रयोग है। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम चाहे जितना जतन कर लें सबका साथ और सबका विकास का, लेकिन फिर भी एक समुदाय विशेष ऐसा है जो हमें वोट नहीं देता, और लोकतांत्रिक राजनीति में सरकारों के लिए केवल एक ही इंसेंटिव होता है वोटरों के पास पार्टियों को देने के लिए, और वो है वोट। तो दिल्ली के इकबाल भाईजान और नूरी बेगम और अरुंधति रॉय अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी कैसे बचा पाएगी डूबते जहाज को। लग रहा है मानो बीजेपी को तो कभी अपना जहाज बचाना ही नहीं था। सीधे शब्दों में तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव हार कर बीजेपी ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के बहाने हिंदुत्व को जीत लिया है। इससे लोगों में कम से कम हिंदुत्व की भावना ने तो जन्म ले लिया है। हिंदुत्व को मानने वाले लोग कम से कम इस सबसे बीजेपी के पाले में चले गए हैं, तो इस लिहाज से अब की बार अक्लमंद सरकार। अब आते हैं दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने वाले अरविंद केजरीवाल जी पर, जो कि दिल्ली के डूबने वाले जहाज के कप्तान बनाए गए थे। शायद मोदी और शाह ने ही उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से भरे जहाज का कप्तान बना दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी आपको समझा देते हैं। बीजेपी का किसी को भी चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट ना करना, जानबूझकर मनोज तिवारी को पूरे चुनाव में आगे किए रहना, जबकि पता ही नहीं था कि बीजेपी की जीत पर उन्हें सीएम बनाया भी जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि दिल्लीवासी बिहारियों को ज्यादा पसंद करते हैं। फिर मोदी शाह को शायद ये भी पता था कि दिल्ली के पौश इलाकों में रहने वाले मनोज तिवारी को मुश्किल से ही सीएम के तौर पर अपना पाएंगे। तो हम क्या ये कहें कि बीजेपी को दिल्ली से कोई फायदा ही नहीं था, तो बीजेपी ने मेहनत भी दिखाई और फिर दिल्ली हार भी गई। तो क्या दिल्ली के चुनाव से हिंदुत्व को जीतने में कामयाब होने वाली बीजेपी वैसे ही दिल्ली चुनाव से बहुत कुछ ज्यादा जीत चुकी है, क्योंकि जब बीजेपी ने जीतने के लिए खुद को कंपटीशन में रखा ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रतिद्वंदियों को लगे कि बीजेपी उनके साथ कम्पीट कर रही है, इसके लिए एक दिखावा था, एक छोटी सी कोशिश थी। तो क्या इससे केजरीवाल को मोदी शाह ने मिलकर दिल्ली हार कर भी करारी शिकस्त दी है, तो इसे राजनीति कहना तो गलत होगा, इसे कहना होगा मोदी और शाह की महानीति, जिसके बल पर उन्होंने वो जीत हासिल की है जो काफी पहले से ही हासिल करने की कोशिशों में लगे थे। क्योंकि दिल्ली के चुनावों में इस बार जो देखने को मिला वैसे शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा हो। सीए के विरोध के चलते बयानबाजियां होती रहीं, उपद्रव होता रहा, फिर वोटिंग भी हुई और केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन भी हो गए। इन चुनाव में बीजेपी को भले जीत ना मिली हो, जो उसे शायद चाहिए भी नहीं थी, लेकिन हिंदुत्व मिल गया, लोगों में अपने प्रति विश्वास बढ़ता देख लिया। अभी बीजेपी के लिए शायद यही काफी है और दिल्ली के चुनाव के लिहाज से यही बीजेपी की मोदी अमित शाह की सबसे बड़ी जीत है।